आज हम सीखेंगे चूज फंक्शन को हम मल्टी सेलेक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं। हमने जो लास्ट टू लास्ट वीडियो में कवर करा था, चूज फंक्शन का बेसिक पार्ट कवर किया था, और लास्ट वीडियो में हमने सम के साथ चूज फंक्शन को कवर किया था। इन दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे चूज फंक्शन में मल्टी सेलेक्शन कैसे करेंगे। तो आइए सीखते हैं हम कैसे मल्टी सेलेक्शन कर सकते हैं। देखिए, मैं इज इक्वल टू सम फंक्शन यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। सम फंक्शन टाइप करने के बाद चूज फंक्शन में डायरेक्टली यहाँ पर टाइप करता हूँ। अब यहाँ पर मल्टी सेलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक इंडेक्स नंबर देता, सपोज दैट मुझे यहाँ पर तीन वैल्यू मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर अभी एक देता हूँ, यानी फर्स्ट वाली मुझे सेलेक्ट करनी होती। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं दो वैल्यू एक साथ सेलेक्ट करूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आप नंबर्स करेंगे। यहाँ पे पहले कर्ली ब्रैकेट में दोनों जगह लगा लेता हूँ। अब इसके अंदर आप वो नंबर्स टाइप करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 2, यानी कि दो वैल्यू मुझे एक साथ सेलेक्ट करनी है, तो 1, 2 मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा, कॉमा लगा के। अब यहाँ पर आपने वैल्यू सेलेक्ट करनी है। पहली वैल्यू मेरी ये रही, कॉमा, सेकेंड वैल्यू, कॉमा, थर्ड वैल्यू। तो देखिए, मैंने तीनों वैल्यू यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। ब्रैकेट क्लोज करूंगा मैंने यहाँ पर, और जैसे ही मैं यहाँ पर देखिए एंटर प्रेस करूंगा, तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या रिफ्लेक्ट होगा, 305 क्यों रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए, मैं पहले यहाँ पर पहली वैल्यू ये थी और सेकंड वैल्यू ये थी, मैं इन दोनों का सम करता हूँ, देखिए क्या आता है। इन दोनों का वैल्यू का मैं सम करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 305 रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर पूरे टोटल सबका यहाँ पे सम करता हूँ, तो देखिए क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो 496। देखिए, मैं यहाँ पे तीन भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, यानी तीनों को कर देता हूँ, कॉमा 3 भी मेंशन कर देता हूँ। अब एंटर मैं यहाँ पे करूंगा, तो देखिए इसने यहाँ पर 496 रिफ्लेक्ट करा। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप कर्ली ब्रैकेट इसके अंदर मेंशन करेंगे, तो यहाँ पर आप मल्टी सेलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे आप मल्टी नंबर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट सेक्शन सबके लिए अवेलेबल है, अगर आपको डाउट आता है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल, मैं आपके वहाँ पे हर क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम सीखेंगे वी लुकअप के साथ चूज फंक्शन को कैसे यूज करेंगे।